तुमने मेरा सपना तोड़ा उस दिन पे जिस दिन मेरे हाथ में। तो क्या एल्विश यादव के कारण कीर्ति मेरा के न्यू घर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था? दोस्तों जैसा कि आपको पता है, कीर्ति मेरा न्यू घर लेने वाली थी जिसके लिए उन्होंने सारे पेपर रेडी करवा लिए थे, लेकिन दोस्तों जब रजिस्ट्रेशन का टाइम आया तो जो बंदा घर उनको बेच रहा था उसने घर देने से मना कर दिया एंड वह 90 लाख एक्स्ट्रा मांगने लगा, जिसके बाद कीर्ति मेरा ने बताया कि हो सकता है कि यह उसने किसी के कहने पर या भड़काने पर किया होगा। तो देखिए कीर्ति मेरा एग्जैक्टली क्या कुछ बोली एंड उन्होंने अब अपना नया घर भी ले लिया है। रजिस्ट्री वाले दिन उस ओनर ने मना कर दिया कि हमें रजिस्ट्री नहीं करवानी। हमने बोला उनको कि आप ये सब क्या कर रहे हो, आप मिलके बात करो एक बार। पहले तो मेरे को किसी के आगे हाथ पैर जोड़ना बिल्कुल नहीं पसंद। पर मेरे को उस टाइम पे वो चीज इतनी खा रही थी ना कि ये क्या किया इन्होंने। मैं गई, हाथ पैर मैंने नहीं जोड़े पर मैं फिर भी गई। तो मैं वहाँ पे गई, हम लोग बैठे, मेरे भाई ने बात करी, दोस्तों ने बात करी, तो उन्होंने बोला क्या दिक्कत है, क्या आप क्यों ऐसे कर रहे हो। तो उनका बेटा बैठा हुआ था, वो जो लेडी थी वो आई ही नहीं पहली बात झांसी से, उनका लड़का आया और उनके साथ एक दो और आए। तो उन्होंने बोला कि हमें तो इस प्रॉपर्टी पे 90 लाख रुपए और चाहिए। मैंने कहा 90 लाख रुपए, पहली बात तो ये छोटा अमाउंट नहीं है। ठीक है, अगर आप मेरे को बोलते कि हमें 5-6 लाख ऊपर चाहिए या 10 लाख ऊपर चाहिए, मैं फिर भी एक बार को सोच लेती, पर आपने सीधा बोला 90 लाख रुपए ऊपर चाहिए। तो मैंने सोचा कि भाई, मैंने पूरे टाइम में चुप थी, मैंने सीधा उस टाइम पे गुस्से में आके बोला, मैंने कहा आप 90 लाख क्यों बोल रहे हो, आप सीधा सीधा बोल दो ना कि आपको घर देना ही नहीं है। तो बोलते नहीं, हमें हमारे घर जो है इतने में चला जाएगा ये वो। मैंने कहा आपको डील नहीं करनी चाहिए थी अगर आपको ऐसा लगता है तो, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस आप आके बता रहे हो। अब मुझे नहीं पता कि उनको पैसों का लालच आ गया या फिर उनको किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया या उनको क्या कर दिया। दोस्तों कीर्ति मेरा को मानना पड़ेगा, इतना कुछ होने के बाद भी वो हार नहीं मानी और अपने लाइफ में काफी अच्छे से सक्सेस कर रही है। तो दोस्तों ऐसे ही यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।